हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब मैं आपसे बाइक्स के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि कौन सी बाइक्स मुझे पसंद है या कौन सी आपको लेनी चाहिए। मैं कुछ सेगमेंट्स और कुछ प्राइस ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो मेन मेरा टारगेट सेगमेंट है वो है क्लासिक बाइक्स, ठीक है, जो 2 से 2.5 लाख रुपये का बजट होता है जिनका, स्पेसिफिकली 2 लाख के आसपास। तो उसमें मेरे ख्याल में 3 बाइक्स हैं जो हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मेन कॉम्पिटिशन जिसमें है रॉयल इनफील्ड क्लासिक में है 350, जो एक मॉडल आता है जो हाल ही में नया अपडेट हो गया है पूरी तरह से, और दूसरा है हमारी जावा। तो ये कुछ बाइक्स हैं जिन्हें आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि CB 350 भी है होंडा की, बट मुझे उतनी खास पसंद नहीं है। मीटियोर ज़रूर है, बहुत अच्छी मशीन है, बट क्लासिक लुक में तो क्लासिक 350 का कोई तोड़ नहीं है। चाहे ओल्ड स्कूल चार्म है, चाहे मूवीज़ में चलाना है, चाहे वो जो बाइक का रॉक पड़ता है, सो ओल्ड स्कूल ईजी गोइंग। तो इसलिए मैं मेजरली बात कर रहा हूँ इन बाइक्स के बारे में। और एक सेगमेंट अलग अलग अगर आप देखें, अगर थोड़ा बजट अपना बढ़ा लें 3.5 लाख तक के आसपास, तो आपको इंटरसेप्टर मिल जाती है, 3.25 से शुरू हो जाती है और 380 तक में निंजा भी आ जाती है। तो ये कुछ बाइक्स हैं। तो बट अगर आप मुझसे पूछें मेरी पर्सनल फेवरेट, तो मेरे पास खुद एक क्लासिक 350 है जो 2014 का मॉडल है, जिसका भी हाल ही में एक फेसलिफ्ट आया है, नई जनरेशन आया है। तो मेजर कॉम्पिटिशन है जावा और क्लासिक 350। बट जावा जो है उसने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे घर में कुछ काफ़ी सालों पहले एक जावा भी थी, मैंने देखी है एक, वो भी मेरी विशलिस्ट में है क्योंकि मैं बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। हमारा जो दिल्ली में घर है, मैं वहाँ ग्रेटर नोएडा में, मेरा प्लान है कि कुछ टाइम बाद मैं वहाँ रहूँगा, तो मैं वहाँ पे आराम से 4-5 बाइक्स रख पाऊँगा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्लासिक 350 या फिर जावा या मीटियोर, तो होंडा सीबी शाइनिस 350 मुझे उतनी नहीं पसंद है। मतलब है अच्छी बाइक, बट कई सारे पॉइंट्स हैं, मतलब इट्स नॉट होंडा बीइंग अ होंडा, वो एक कॉपी कर रही है, ठीक है। और फिर आप अगर आते हैं कि बेनेली मैंने मेंशन नहीं किया, बट इम्पारले इज़ गुड, बट वो सर्विस रिलायबिलिटी कुछ इशू है, प्रोडक्ट मोटर अच्छा है, अच्छा है। बट बेनेली की अगर आप टॉर्नेडो TNT 300 चलाएंगे तो आपको अलग ही मज़ा आएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। बट इम्पारल, मैं नाम ही ठीक से नहीं बोल पा रहा, प्लीज़ बेयर विद मी। तो बट वो सब कहीं ना कहीं एक लीग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका मेन प्रोडक्ट नहीं, पोर्टफोलियो नहीं। तो जावा क्यों और क्लासिक क्यों? मीटियोर उन लोगों के लिए है जो बहुत कंफर्ट चाहते हैं और एक अलग थंडरबर्ड का लुक चाहते हैं, ठीक है, और हाईवे क्रूजिंग ज़्यादा करते हैं, उनके लिए मीटियोर इज परफेक्ट चॉइस, परफेक्ट, क्योंकि जिस तरह से इंजन को उन्हें प्लेटफॉर्म का सब बदल दिया है, वाइब्रेशन हटा दिए, इट्स प्रीटी गुड। और जावा और क्लासिक, मुझे क्लासिक पसंद है, जो लुक्स है, ओल्ड स्कूल चार्म है, इंजन इतना स्मूथ कर दिया, वाइब्रेशन हटा दिए, प्लेटफॉर्म नया है, ब्रेक्स इतने अच्छे कर दिए हैं, स्विच केयर इतने अच्छे कर दिए हैं, फाइनली फ्यूल गेज दे दिया है, ठीक है, सीट्स इतनी कंफर्टेबल कर दी हैं, तो बहुत सारी पॉइंट्स हैं। तो इसलिए मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट तो क्लासिक है, कलर्स भी अच्छे हैं, स्पेशली जो रेड वाला क्रोम है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो अपनी बाइक को चेंज करके क्लासिक 350 लेने का सोच रहा हूँ। और थोड़ी भारी भी है, थोड़ा एक लुक आता है, मज़ा आता है, इट्स सो इजी गोइंग। तो कम्प्लीटली रॉयल इनफील्ड हैव अप द गेम, आई लव इट। तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन है कि आप क्लासिक 350 को देखें, उस प्राइस ब्रैकेट में भी और उस सेगमेंट में भी। सेकेंड किसी को कुछ देखना है तो जावा तो ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम जो दिल से चुनते हैं लुक्स के अलावा, जावा से जो उनका कनेक्ट है उसके अलावा, सीट हाइट थोड़ी सी कम है इन कंपैरिजन टू क्लासिक 350। जो लोग थोड़े शॉर्ट राइडर्स हैं उनके लिए जावा परफेक्ट मॉडल है, साथ ही में उसका वेट भी लगभग 30 किलोज कम है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, की जावा की भी अपनी लेगेसी तो रही, यू कांट डिनाई इट, और वो भी बाइक बहुत ही अच्छी, बेहतरीन, शानदार है, दोनों ही बाइक्स बहुत अच्छी हैं। तो ये दोनों बाइक्स आप चुन सकते हैं ज़रूर, जावा स्पेशली जो शॉर्ट राइडर्स हैं और वेट कम है, जिस बाइक हल्की चाहिए उन्हें, तो बहुत ही अच्छी मशीन है। आप दोनों को खुद चलाएं, खुद चुनें, बट दोनों बहुत अच्छी बाइक्स हैं। बट एक विनर बताना तो क्लासिक 350 अनडाउटेडली इज अ विनर। उसके अलावा जो दो बाइक्स और मुझे पसंद है, जैसे मैंने कहा मैंने निंजा अभी तक नहीं चलाई है, बट निंजा 300 स्पोर्ट्स बाइक्स में बहुत ही अच्छी बाइक है, जो लुक्स में है, जो कंफर्ट है, यू नो, इतना ज़्यादा झुक के भी आपको नहीं चलाना पड़ता, यू नो, कि आपको पीठ में दर्द हो जाए बिल्कुल, ही आप ऐसे वो विक्रम बेताल की तरह आप
उठे तो एक कॉमेडी आई थी ना, एक लड़का चला रहा है वो उठता है, लड़की उसके पीछे बेताल की तरह है। तो ऐसा नहीं, यू सिट क्वाइट लो, क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट अपराइट पोजिशन है, लुक्स बहुत अच्छा। कावासाकी की लेगेसी है, निंजा इज अ ब्रांड इन इटसेल्फ 300 cc में, तो बहुत ही अच्छा। मैं स्पोर्ट्स बाइक की तलाश में रहा हूँ बहुत ज़्यादा, फ्रॉम अपाचे फ्रॉम टू बेनेली, कहीं रिलायबिलिटी इशू, कहीं हाइट बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे झुक के चलाना है, कहीं पावर नहीं। मैंने BMW भी चलाई 310, बट मुझे पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आया। ड्यूक भी चलाई मैंने, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, कहीं लुक्स कहीं पावर नहीं लगी, कहीं लुक्स कहीं सीट अच्छी नहीं लगी, वगैरह वगैरह। तो काफ़ी साकी 300 बहुत ही अच्छा बैलेंस है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और फाइनली जो बाइक मेरे के बहुत करीब है वो इंटरसेप्टर 650। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आप उसे चलाएंगे, उसकी जो हैंडलिंग है आप भूल जाएंगे कि उसे यमुना एक्सप्रेस वे में चलाना हो या ट्रैफिक में चलाना हो, बहुत ईजी होंगे, बहुत हैंडलिंग अच्छी हो। अगर आप उसका वीडियो देखें, उसका म्यूज़िक भी कितना अच्छा, लॉन्च में जो वीडियो उसका है तो परफेक्टली डिफाइन करता है, इट्स सो ईजी गोइंग, है ना, आप सब टेंशन भूल जाते हो सर। तो आई जस्ट लव दैट बाइक, मेरी बेस्ट लिस्ट में ये निंजा 300 भी है और इंटरसेप्टर 650 तो फॉर टाइम शोर है, और क्लासिक 350 तो सदाबहार है ही। और क्लासिक 350 की कुछ पॉइंट्स अगर डिस्कस करना चाहूँ तो उसमें आपको माइलेज 35 की आराम से मिल जाती है, और थंब साउंड अच्छा खासा है, नकली साइलेंसर ना लगाएं, ओरिजिनल के साथ रहें, और नई वाली में साउंड बहुत अच्छा है। एक मेरी BS3 में बहुत अच्छा था और नई वाली में भी बहुत अच्छा है, तो इन्जॉय करें। और ये कभी पुरानी नहीं होती है, सालों साल चलेंगी, दमदार बाइक्स हैं, उनका चार्म कभी नहीं ख़त्म होगा। जस्ट इन्जॉय विद प्राइड, इंडियन आर्मी को भी इन्होंने सर्व किया, हमारे पिक्चरों में सारे हीरो वही चला रहे हैं, तो बोल्ट की शौकिंग बने, उसका मज़ा उठाएं। यामाहा, बजाज, एवरीथिंग इज़ गुड, बट बुलेट की बात अलग है, चाहो इज़ गुड, बट क्लासिक 50 इज परफेक्ट। और थोड़ा अगर आपका बजट अच्छा है, बहुत शौकिंग है, तो आप निंजा 300 को देख सकते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स बाइक के एंथुजियास्ट शौकिंग है। और अगर क्लासिक की ही फील्ड में अगर आपको थोड़ी अच्छी बाइक चाहिए तो आप इंटरसेप्टर 650 ले सकते हैं, बहुत अच्छी बाइक है, अपनी सेगमेंट्स की अपनी तीनों बहुत अच्छी बाइक है, चाहे क्लासिक 350 हो, जावा भी कुछ हद तक, और इंटरसेप्टर 650 एंड निंजा 300 फ्रॉम कावासाकी। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट, ट्राई करें, ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कभी और अपना बहुत अच्छा ध्यान रखें, बी ए गुड एंड प्राउड इंडियन सिटीजन। जय हिंद।